ईद 2020 दोस्तों चर्चाओं का विषय बन गई 2019 से ही। क्यों? क्योंकि हम 2019 की ही स्टार्टिंग में ये बात सुनते हैं कि ओ संजय लीला भंसाली साहब जो है वो एक फिल्म बनाने वाले हैं भाईजान सलमान खान के साथ, जो कि होने वाली है इंशाल्लाह, और इंशाल्लाह की शूटिंग जल्द शुरू हो जाएगी। फिर उसके बाद दोस्तों आपको बता दूं तो संजय लीला भंसाली ने कास्ट भी बता दी कि इसमें आलिया भट्ट होंगी, सारी चीजें तैयार हो गई थी। इतने में ही हम ये क्या देखते हैं, हम देखते हैं कि भाईजान सलमान खान और संजय लीला भंसाली जी फिल्म करने से एक साथ मना कर देते हैं, तो इंशाल्लाह शेल्ड हो जाती है। लेकिन दोस्तों आपको बता दूं तो भाई ईद का सौगात लेकर आते हैं राधे के रूप में। नमस्कार, स्वागत करता है राहुल भोज आप सभी लोगों का आप लोगों के फेवरेट चैनल में। और आज इस वीडियो में मैं राधे से जुड़े हुए कुछ इंटरेस्टिंग चटपटी बातें आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ, जो कि आई एम श्योर आपको नहीं पता होंगे। तो आइए बात करते हैं। सबसे पहले आपको बता दूं दोस्तों तो राधे जो फिल्म है ये आउटलॉस जो एक कोरियन फिल्म है उसी का ही हिंदी वर्जन है। मिस्टर अतुल अग्निहोत्री ने 2018 के एंडिंग में इस फिल्म के राइट्स खरीद लिए थे, जिसकी जानकारी मैंने अपने पास्ट की वीडियो में आपको बताई है। सो ऐसे में दोस्तों अतुल अग्निहोत्री साहब इस फिल्म को दोबारा से बनाने की सोचते हैं। अब वो ढूंढते हैं कि डायरेक्टर किसे ले, तो भाई यहाँ पर प्रभुदेवा जी का नाम सामने आता है, क्योंकि दबंग 3 बनाने में प्रभुदेवा जी की जो मेहनत लगी है, जो हार्डवर्क लगा है, उससे भाई इम्प्रेस हो जाते हैं और भाई उन्हीं को ही आगे कंटिन्यू करते हैं। और ये दिशा पाटनी की दूसरी मूवी है सलमान खान के साथ, जिसमें दिशा पाटनी सलमान खान को रोमांस कराते हुए नजर आएंगी। सलमान भाई और दिशा की जोड़ी हमें बहुत ज़्यादा अच्छी लगी थी भारत फिल्म के अंदर, एंड नाउ इट्स टाइम फॉर राधे योर मोस्ट वांटेड भाई। आपको बताना चाहूंगा ये भाई सलमान खान की वो फिल्म है दोस्तों जो कि रिलीज से पहले ही चर्चाओं का इतना विषय बन गई कि क्या बताएं। बताना चाहता हूँ कि जब दबंग 3 का पहला टीजर रिलीज किया गया था, उसी के साथ ही जो है ईद 2020 की इस फिल्म यानी कि राधे का टीजर रिलीज कर दिया गया, जिसमें भाईजान सलमान खान ये बोलते हुए नजर आए थे कि आ रहे हैं हम क्रिसमस में 2019 के क्रिसमस में, साथ ही साथ हम आ रहे हैं ईद 2020 में। सो भाईजान सलमान खान ने ऐलान कर दिया। बताना चाहता हूँ दोस्तों कि रणदीप हुड्डा की ये भाई के साथ तीसरी फिल्म है, और इस फिल्म के अंदर रणदीप हुड्डा ने नेगेटिव कैरेक्टर पोर्ट्रे किया है। इससे पहले रणदीप हुड्डा ने कभी भी नेगेटिव कैरेक्टर्स पोर्ट्रे नहीं किया दोस्तों, वो तो भाई का प्यार है, भाई के साथ उनके काम करने की एक ललक है। तो इसीलिए रणदीप हुड्डा ने दोस्तों इस फिल्म के अंदर नेगेटिव कैरेक्टर पोर्ट्रे करने का मन बनाया। अगर बात की जाए दोस्तों तो ये फिल्म अतुल अग्निहोत्री लेकर आ रहे हैं, जो कि सलमान खान के जीजा सा हैं और यही वो फिल्म प्रोड्यूस कर रहे हैं। भारत के बाद अब बारी है राधे की। सलमान भाई ने दोस्तों इस फिल्म के लिए अपनी कमर कस ली है, क्योंकि दबंग 3 को जो ल्यूकवॉर्म रिस्पॉन्स मिला था उसको लेकर भाई को एक बात तो समझ में आ गई कि अगर ऑडियंस को अच्छा कंटेंट अगर परोसा जाए तो वो फिल्म देखने के लिए जरूर जाते हैं। और भाई ने अपनी जो पास्ट फिल्म में जो भी गलतियां की दोस्तों, इस फिल्म से उन्होंने वो गलतियां हटा दी। बताना चाहता हूं दोस्तों कि ये बात है कि भाई इसकी एडिटिंग के पर्सनली अपने हाथ से हैंडल कर रहे हैं। फिल्म जो है लंबी बनी थी, लेकिन भाई ने ही फिल्म को शॉर्ट करवाने की पूरी बात रखी है, यानी कि फिल्म जो है लेंथ वो 2 घंटे की होगी। और अगर बबात की जाए गानों की तो मुश्किल से इसमें 3 गाने होंगे और एक प्रमोशनल सॉन्ग होगा। सो भाई तो अपनी तरफ से दोस्तों बहुत सारी ऐसी कोशिशें कर रहे हैं कि वो जो मिस्टेक उन्होंने दबंग 3 में की थी वो मिस्टेक इस फिल्म के अंदर ना करें, जिसका नाम है राधे। बताना चाहता हूँ दोस्तों कि भाई सलमान खान इस फिल्म के अंदर अपनी ही फिल्म का एक डायलॉग रखने वाले थे, जो कि थी कि एक बार जो मैं कमिटमेंट कर देता हूं तो उसके बाद तो मैं खुद की भी नहीं सुनता। लेकिन सलमान सर को उसके लिए भी दोस्तों परमिशन लेनी पड़ी है प्रोडक्शन हाउस से, यानी कि वांटेड के जो फिल्म मेकर हैं यानी कि बोनी कपूर, उन्हीं से ही परमिशन लेने की जरूरत पड़ी है भाई को, क्योंकि भाई की ही फिल्म का डायलॉग वो इस प्रोडक्शन के अंदर यूज करना चाहते हैं। जिसकी वजह से दोस्तों अब ये परमिशन दी या नहीं दी ये हमें नहीं पता, इसके लिए थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। सो दोस्तों ओवर एंड ऑल अगर बात की जाए तो राधे फिल्म होने वाली है भाई की मच अवेटेड फिल्म, मच एंटीसिपेटेड फिल्म। ईद 2020 में इसका क्लैश लक्ष्मी बॉम्ब के साथ होने वाला था, लेकिन ग्लोबल पैंडेमिक ये जो चल रहा है देश के अंदर, इसके कारण अब ये फिल्म ऑन टाइम रिलीज होगी या नहीं ये बहुत बड़ा सवाल है। ऐसे में मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि राधे के लिए आप कितने एक्साइटेड हैं, कमेंट सेक्शन में जाएं मुझे जरूर बताएं। बने रहिए चैनल के साथ, सो कीप ऑन वॉचिंग।